डिजिटल वाट मीटर। इस लेक्चर में हम डिजिटल वाट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल वाट मीटर इज शोन इन फिगर, यानी डिजिटल वाट मीटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपका डिजिटल वाट मीटर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है और लोड के अक्रॉस जो करंट है, यानी लोड के थ्रू जो करंट है और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, उसको एक आईसी में एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। आईसी कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी जो है इस सिग्नल को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर इस डाटा को कैलकुलेट करता है और फिर कोडिंग करके एलसीडी डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए ये सेंड कर देता है। और फिर इस डिस्प्ले पे आपका रियल पावर आउटपुट जो है वाट में ये डिस्प्ले होता है। तो ये आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल वाट मीटर का। इन द डिजाइन ऑफ डिजिटल वाट मीटर बोथ वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द लोड हैव बीन गिवन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज एंड करंट ट्रांसड्यूसर इन द आईसी। यानी कि डिजिटल वाट मीटर के डिजाइन में लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है और लोड के थ्रू जो करंट है उसको वोल्टेज ट्रांसड्यूसर और करंट ट्रांसड्यूसर का यूज करके डिफरेंशियल वोल्टेज के फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रोवाइड कराया जाता है। उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में इनपुट के रूप में दिया जाता है। द आई सी प्रोड्यूसेस ए स्क्वायर वेव सिग्नल एट इट्स आउटपुट हुज फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द रियल पावर ऑफ द लोड। यानी ये जो आई सी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो अपने आउटपुट पे एक स्क्वायर वेव सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसका कि फ्रिक्वेंसी लोड के रियल पावर के प्रोपोर्शनल होता है। दिस स्क्वायर वेव सिग्नल इज सेंट टू एन इनपुट पिन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट। और यह स्क्वायर वेव सिग्नल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट पोर्ट पे दिया जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज मेजर्ड यूजिंग काउंटर एंड दस इट्स फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो डिटरमाइंड। यानी कि काउंटर का यूज करके सिग्नल के टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है, और जब टाइम पीरियड मेजर होता है तो फ्रिक्वेंसी को भी मेजर कर लिया जाता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है, पता कर लिया जाता है। थ्रू ए कैलिब्रेशन प्रोसेस द डिसिपेटेड रियल पावर इज कैलकुलेटेड। कैलिब्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो है रियल पावर जो डिसिपेट हो रहा है लोड में उसको कैलकुलेट किया जाता है। फाइनली द कैलकुलेटेड रियल पावर इज डिस्प्लेड इन एन एलसीडी डिस्प्ले। और अंत में जो कैलकुलेटेड रियल पावर है उसको एलसीडी डिस्प्ले पे डिस्प्ले किया जाता है। इन दिस रिगार्ड द एलसीडी स्क्रीन इज प्रॉपरली इंटरफेस्ड विथ द पिन्स ऑफ ए पोर्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। और इसके लिए एलसीडी डिस्प्ले पे रियल पावर को डिस्प्ले करने के लिए जो एलसीडी स्क्रीन है वो माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट से प्रॉपरली वो इंटरफेस्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। द होल प्रोसेस इज गाइडेड बाई प्रॉपर माइक्रो कंट्रोलर कोडिंग। और पूरा प्रोसेस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के कोडिंग के द्वारा गाइड होता है। तो ये आपका डिजिटल वाट मीटर का ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था। तो इस लेक्चर में हमने आपको डिजिटल वाट मीटर के बारे में डिस्कस किया। तो यहीं पे आपका यूनिट 3 मेजरमेंट ऑफ पावर समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम लोग मेजरमेंट ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।